स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ वन एंड हाफ मंथ वी आर बैक ऑन अवर चैनल विद द वीडियो नेम हॉर्निंग एंड स्टॉपिंग प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो टॉय होता है वो क्या होता है और हील क्या होती है। जब भी हम नाइफ की बात करते हैं तो नाइफ में या ब्लेड में जो अवे फ्रॉम दी हैंडल से जो होता है उसे हम कहते हैं टॉ, यानी कि ये जो वाला पार्ट होता है, और जो जहां पर हैंडल सेट होगा ब्लेड में उसको कहते हैं हम हील। आगे बात समझ में? तो ये हैंडल है, इसमें सेट कर दिया जाएगा और ये ऊपर से ब्लेड की ये लगा दिया जाएगा, जिसे हम कहते हैं हॉर्निंग गाइड। तो इससे पूरा का पूरा हमारा ये हम यहाँ से हैंडल से हाथ से पकड़ सकते हैं और ये ब्लेड जो है इसको हॉर्निंग गाइड कहते हैं। ठीक है, इसमें हॉर्निंग गाइड में सेट कर दिया जाएगा और ये हमारा हॉर्निंग और स्टॉपिंग के लिए ब्लेड तैयार हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो हमने क्या कहा है, हमने कहा ये है कि हैंडल के अवे फ्रॉम यानी दूरी दूसरी साइड वाला होता है उसे हम टॉ कहते हैं, और जो साइड में हैंडल के होता है उसे हम कहते हैं हील। तो जब भी हम हॉर्निंग और स्टॉपिंग की बात करेंगे तो ये दो वर्ड हमको आने चाहिए कि टॉय वाला पार्ट कौन सा है, हील वाला पार्ट कौन सा है। अभी क्या है, देखिए आपके लिए NHM की वैकेंसी निकल गई है और वैकेंसी में आपका कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप पढ़ें और हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, कंपटीशन के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें जो आपको इम्पोर्टेंट होती हैं तो उनको हम बता रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जब भी आपसे हॉर्निंग और स्टॉपिंग में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि टॉय किधर की साइड में होता है, हील किधर की साइड में होता है। चलिए हम मेथड ऑफ हॉर्निंग की बात करते हैं। हॉर्निंग जो होता है वो एक्चुअली करते इसलिए हैं कि जो ब्लेड जो होता है हमारा माइक्रोटोम जो है उसमें ब्लेड लगेगा, उसमें क्या है, उसमें क्या होता है कि अपन को जो ब्लेड है अगर उसमें कोई खुरदरापन रहेगा उसके एज में या करेक्ट में, मतलब अगर उसके खुरदरापन अगर उसकी ब्लेड में आ जाएगा तो हमारा जो सेक्शन कटिंग में जो है वो खराब होने लग जाएगा सेक्शन। तो इस वजह से ब्लेड की हॉर्निंग की जाती है, स्टॉपिंग की जाती है, फिर उसको माइक्रोटोम में लगाया जाता है। तो देखिए हॉर्निंग जो है, बाकी हम टाइप्स ऑफ जो हॉर्न्स है, वायरस टाइप्स ऑफ हॉर्न्स ये बात कर चुके हैं आपसे। अब हम बात करते हैं लुब्रिकेंट्स की, तो ये लुब्रिकेंट्स की भी बात कर चुके हैं कि लुब्रिकेंट्स के लिए आप सोप वाटर ले सकते हैं जब भी आप हॉर्निंग करते हैं, तो ये आपको लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लिक्विड पैराफिन ले सकते हैं या कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, क्लब ऑयल ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप लिक्विड जो पैराफिन है आपको आसानी से लेबोरेटरी में उपलब्ध हो जाता है, सोप वाटर हो जाता है, कैस्टर ऑयल हो जाता है, क्लब ऑयल भी हो जाता है। तो ये है हॉर्निंग के लिए हमको लुब्रिकेंट्स चाहिए जिससे कि हम हॉर्निंग कर सके, तो इनको भी ध्यान रखें आप। अब हम मेथड की बात करते हैं। तो मेथड क्या है कि सबसे पहले आपको क्या है, बेंच पर हॉर्न को रख देना है। ठीक है, अब क्या है, जब बेंच पर आप क्या है, हॉर्न इज प्लेस्ड ऑन बेंच ऑन ए नॉन स्किन सरफेस। हॉर्न क्या होता है, एक जो हमने बात की थी पिछली वीडियो में बात की थी कि एक जो है हॉर्न्स जो हमें अरकानसास टाइप्स ऑफ वारिस टाइप्स ऑफ हॉर्न्स की बात की थी, बेल्जियम ब्लैक है, अरकानसास है, एलोक्साइड है। तो ये हॉर्न जो होते हैं उन को हम एक नॉन स्किड यानी कि जहाँ पर ज़्यादा खुरदरापन नहीं हो ऐसी सरफेस पर रख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइट लुब्रिकेंट ऑयल पोर्ट ऑन सेंटर ऑफ द हॉर्न। जो हॉर्न होता है उसके बीचों बीच में हमको एक थोड़ा सा लुब्रिकेंट ऑयल जो हमने बात की है चार पाँच की, इनमें से रख देंगे, इनसे क्या है हम बीच में डाल देंगे। ठीक है, और उसको हल्का सा एक बूंद बीच में डाल करके और हल्का सा साइड सरफेस ऊपर डाल देंगे। आगे बात समझ, पहले हॉर्न को रखना है नॉन स्किन सरफेस पर, फिर क्या है लुब्रिकेंट ऑयल रखना है। अब हमको क्या करना है, अब हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। द नाइफ कंप्लीट विद हैंडल बैकिंग सीध इज लेड ऑन द हॉर्न विद द कटिंग एज फेसिंग अवे फ्रॉम द ऑपरेटर एंड द हील इन द सेंटर ऑफ नियरेस्ट एंड ऑफ हॉर्न। तो हमको क्या है, जो ब्लेड है उसको हॉर्न के जो हॉर्निंग गाइड है हैंडल है उसके साथ में सेट कर लेना है, उसकी पोजीशन को सेट कर लेना है, करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ फिंगर जो हमारे पकड़ने का तरीका है उसको हॉर्न का,
तो ये तो मैं आपको तभी बता सकता हूँ जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब। लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि जो आपने होनिंग गाइड के साथ में हैंडल के साथ में जो ब्लेड अटैच किया था है अभी, तो उसको आपको करेक्ट पोजीशन में पकड़ना है, ठीक है। द फिंगर्स इज अचीव्ड बाय होल्डिंग द हैंडल ऑफ नाइफ बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर विद द कटिंग एज फेसिंग अवे फ्रॉम द ऑपरेटर। दो हमने बात की थी ना कि हील क्या होता है और टॉय क्या होता है, तो आपको इस प्रकार से पकड़ना है और ये एंगल आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपका टॉय जो है वो उसकी सीध में आए, क्या अंगूठे की सीध में आए। अगली बात समझ में, तो आपको कहाँ से पकड़ना है कि जो जो आपका टॉय है उससे जो सीधा का सीधा आपके थंब और फोर फिंगर्स हैं वो होने चाहिए। When the knife is on the horn of the tips of the finger, the thumb of other hand rests on the other end of knife, ensuring even pressure along the whole edge of knife during the honing. तो आपको प्रेशर भी इसी हिसाब से लगाना है कि होनिंग का मेथड क्या है, होनिंग के लिए किस किधर से किधर की साइड में करते हैं, ये हम आगे के जो फोर नंबर का पॉइंट है उसमें बताएंगे। तो आपको प्रेशर उधर से उधर ही लगाना है जिधर से हमको करना है, इतना ही आपको प्रेशर लगाना है। ये आपको पॉइंट समझने का हो गया। अगला जो इम्पोर्टेंट होनिंग का पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो नाइफ इज पुश्ड फॉरवर्ड डायगोनली, तो ये जो नाइफ होती है उसको पुश किया जाएगा डायगोनली, कहाँ से, हील से टॉक की तरफ, कहाँ से, हील, हील किधर थी हमारी, हील थी हमारी हैंडल की साइड में, तो नाइफ को पुश कहाँ से किया जाएगा, हील से, यानी हमारे हैंडल की साइड से पुश किया जाएगा टॉय की तरफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और का तो पता नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि होनिंग में किधर से आप नाइफ को पुश करेंगे, तो आप बताएंगे कि हील से टॉय की तरफ। टर्न ओवर ऑन इट बैक्स एंड मूव अक्रॉस द होन अंटिल द हील इज इन द सेंटर विद द कटिंग एज लीडिंग एंड देन ब्रॉड बैक डायगोनली, इट इज टर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो आप क्या है इसको कंप्लीट फिगर ऑफ एट मूवमेंट, तो एक साइड से जब आप कर लेंगे तो आपको क्या करना है दूसरी साइड ले लेनी है। लेकिन उसमें ध्यान एक ही चीज का रखना है कि आपकी जो नाइफ है वो पुश होनी चाहिए हील टू टॉप। आगे बात समझ, तो ये होनिंग जो है इसको होनिंग कहते हैं। अगर ये अपोजिट चला जाएगा टॉय से हील की, तो उसे हम कह देंगे स्ट्रॉपिंग कह देंगे, ठीक है। और प्रेशर उस आपको किधर से किधर लगाना है, हील से टॉ ही लगाना है स्ट्रॉपिंग में, वो सॉरी होनिंग में, और स्ट्रॉपिंग में टॉय से हील की तरफ आपको प्रेस लगाना है, प्रेस करना है। बाकी की पकड़ने का जो तरीका है आपको वो सेम रहेगा। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। द प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल ऑल जैग्ड एजेस हैव बीन रिमूव्ड, तो आपको ये काम तब तक करते रहना है जब तक ऑल जैग जो एजेस हैं वो रिमूव नहीं हो जाए। नाइफ इज रेडी फॉर फिनिश के बाद में, तो देखिए आपको ये इस प्रकार से हैंडल पकड़ा हुआ है, ब्लेड ये पूरा सेट किया है, और ये आप देखिए होनिंग हो रही है, कहाँ से कहाँ की तरफ हो रही है, इधर की साइड में क्या है, हील है, तो प्रेशर जेंटली प्रेशर यहाँ पर लगाया जा रहा है और यहाँ पर इस प्रकार से प्रेशर लगाया जा रहा है, तब ये इधर की साइड में ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये रो करके दिखाया गया है और फिर इसको पलटा गया है, पलटने के बाद में फिर जब हम इधर से लगाना है हमको, तो ये फिर ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा, क्योंकि हमने उसको पलटा है। लेकिन हमको क्या करना है कि जो फाइनली जो हमको प्रेशर है वो हीट टू टॉय लगाना है, इस वजह से ये ऐसा हुआ है। स्ट्रॉपिंग जो होती है उस मेथड हम उसे कहते हैं जिसमें क्या है, अभी तक तो क्या हो गया है, ये पूरा का पूरा अच्छी तरीके से ब्लेड जो है हो गया है क्लियर, लेकिन अब थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो उसको स्टॉपिंग से क्लियर कर लिया जाएगा। तो ऐसी प्रोसेस को स्टॉपिंग कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग एंड ऑलरेडी फेयरली शार्प इज रिमूव बर फॉर्म ड्यूरिंग। स्टॉपिंग के लिए जो लेदर है, फाइन क्वालिटी लेदर है, वो यूज की जाती है, वो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, हैंगिंग भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकते हैं। इन स्ट्रॉपिंग यूजुअली फर्म सर्फेस, इसमें क्या है, लेकिन देखिए उसमें नॉन स्किड सर्फेस थी होनिंग में, लेकिन इसमें फर्म सर्फेस यानी कि आपको थोड़ी खुरदरी जगह जो है ना वो इसमें जरूरत पड़ेगी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्शन इज रिवर्स ऑफ होनिंग, एक्शन ऐसा है कि उधर हील से टॉ की तरफ था, यहाँ पर टॉ टू हील है डायरेक्शन स्ट्रॉपिंग की, जस्ट अपोजिट है। इसके आप वीडियो को दे सकते हैं कि इस प्रकार से ये होनिंग है, ये इस प्रकार से इसमें प्रेशर लगाया जाता है और ये इस प्रकार से होनिंग की जाती है, और इसमें प्रेशर जो है कहाँ से लगेगा, ये यहाँ से टॉय से हील की तरफ लगेगा,
इस वजह से ज़्यादा एंगल आपको नहीं दिखाया गया है और ये पलट करके आप ये होने, तो ये होने